बच्ची खून जरूर चलाती है, लेकिन जब ऐसे काम करती है ना तो खून बढ़ा भी देती है। नागरानी, तुम्हें पता है ना कि तामसी को क्या चाहिए? तुम मुझे नाग बनी दे दो और अपने पति को दे दो, जिंदा हो गई। तामसी इससे जिंदा छोड़ती। नो मेरा दोस्त, मेरा नहीं। मेरा उसका भरोसा मत करना। वो हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे नुकसान ही पहुंचाऊंगी? रुक जाओ। तुम जाओ और नागमणि लेकर जाओ और फुल स्पीड पे जाओ, क्योंकि इसके पास अब मेरे पर ना टांगी तो नहीं है। विशाखा विक्रांत नहीं मिला, तुम हमारी छोड़ो, तुम माहिर को जाके बचाओ। नहीं नहीं मिला, नहीं भाई जी, मैं आपको कुछ नहीं कर रही। मुझे ये करना ही होगा, मैं आपको मरता हुआ नहीं देख सकती। नागरानी प्लीज जल्दी लो ना। यही सही मौका है, आज इन्हें खत्म कर ही देते हैं। तामसी, वहां उन दोनों को देखो, माहिर को बचा लेंगे वो। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इस वक्त मुझे आपकी अमानत, आपकी नागमणि चाहिए, क्योंकि वो नागमणि मुझे उस शैतानी शक्ति को सौंपनी है। अपने माहिर जी की जान बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। भोलेनाथ, मेरी मदद कीजिए। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूं, मैं आपकी अमानत को सही सलामत आपके पास वापस लाऊंगी। जैसे मेरे माहिर की जान बच जाएगी, मैं आपकी अमानत को आपके चरणों में रख दूंगी भोलेनाथ। लेकिन अभी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, मेरे माहिर को बचा लीजिए भोलेनाथ, मुझे नागमणी दे दीजिए। भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, मेरी मेरी मदद करने के लिए, मुझ पर भरोसा करने के लिए आपका धन्यवाद। बस एक और प्रार्थना है, वो शैतानी शक्ति को ताम से इस नागमणि का प्रयोग ना कर पाए ऐसा वरदान दे दीजिए। बाकी सब संभाल लूंगी। भाई जी की जान बच जाने के बाद मैं खुद आपके चरणों में आपकी अमानत ला के रख दूंगी भोलेनाथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको भी कुछ नहीं होने दूंगी माहिर जी, मैं आ रही हूं। मार दो इसे। रुको, नहीं रुको, 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 मैं नाक पर लेकर आई हूं, रुक जाओ।
रखी है रही नागमणि, यही चाहिए थी ना तुम्हें? गलत नहीं, नो मिला। नागमणि मिल गई। अब से ना पति को बचा के भाग सकती हो, तब भाग लो। नागमणि मिल गई, मुबारक हो। लेकिन इन दोनों को बच के जाने क्यों दिया? तुमसे किसने कहा? ये वो दोनों बच गए। अच्छा, वो तुमसे बिला के पीछे चले गए। लगे आज सुमित्रा भी उसके पीछे चलने की, ताकि हमें बेला को रोकने का अलग से मौका मिल जाए। हमसी वहाँ पर हमसे पहले ना पूछे। फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं होगा ना सब। नहीं तो विक्रांत मुझे नीचे उतारो। विशाखा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। पर मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई तकलीफ हो। मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी चोट लगी तो मुझे नीचे उतारो, मैं कह रही हूँ। जिद मत करो। वरना क्या? विक्रांत, मैं तुम्हारा गला दबा दूँ। पहले भी मरते मरते बाल बाल बचो ना, उतारो मुझे। करते विक्रांत, क्या तुम्हें सच में लगा मैं तुम्हारी जान ले लूंगी? विशाखा, मैं बस तुम्हें डरा रही थी ताकि तुम मुझे नीचे उतारो। मेरे वजह से तुम्हारी स्पीड स्लो हो रही थी और हम देर नहीं कर सकते, हमें जल्दी पहुंचना है। विशाखा, तुम्हें तामसी ने घाव दिए हैं, ये घाव इतनी आसानी से नहीं भरेगा। कोशिश तो कर सकती हूँ ना, चलने लायक हो ही जाएगा विक्रांत। एक मिनट, मिला क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मार्ज, मैं नागमणि को नहीं बचा पाई। मुझे भोलेनाथ कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसे नहीं बोलते बिला, हम अगर वहां से नहीं निकलते तो यहाँ वापस कैसे आ पाते नागमणि लेने? हमने कोई गलती नहीं की है। परेशान मत हो, आराम से। तक भागोगे नागरानी, तुम्हें एक शानदार और यादगार मौत मिलेगी। चाहे कुछ भी हो जाए बेला, हाथ मत छोड़ना। सवाल ही नहीं।
हमने पूरा जंगल छाना है पर दोनों कहीं नहीं मिल रहे, हम क्या करेंगे? विशाखा मुझे कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। तुम जरा यहीं रुको। मैं अभी चार दीवारों में कैद कर दिया है। तभी तो हम इतनी देर से एक ही जगह के चक्कर काट रहे हैं। वो साहब से नहीं चाहते कि हम जंगल से बाहर निकले और बेलाल माहिर की मदद कर पाए। मुझे डर लग रहा है कि वो बेलाल माहिर को मार ना दे। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें किसी भी तरह माहिर और बेला को बचाना होगा। कुछ करो विक्रांत, हमें कुछ सोचना होगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे विक्रांत, बेला प्रेग्नेंट है। अगर उसके बच्चे कुछ कुछ क्या तो हमें कुछ करना होगा। हमें नाग तरंगों से जूही को बुलाना चाहिए। शायद वो कोई फायदा नहीं होगा। मतलब एक बात है जो मैं जानता हूँ, जो मैंने किसी और को नहीं बताया, कि उस तामसी ने अपने आदमियों को भेजा जूही के पास। तामसी सब कुछ खत्म कर देगी। बेला माहिर को, हमारे नाग लोग को ग्रांध ऐसा नहीं होने दे सकते। कुछ कुछ करना होगा हमें। मैं तुम कभी खो तो नहीं दूंगा ना? कभी नहीं। आपने मुझे जन्मों जन्मों के लिए पाल लिया है माहिर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। माहिर जी, मैं आपकी बेला हूं और मैं हर जन्म में आपकी बेला ही रहूंगी। माहिर जी, घबराइए मत। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी माहिर। सुन रहे ना आप, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। माहिर जी, देखिए अभी मजाक मत कीजिए वरना मैं सीरियसली नाराज हो जाऊंगी। सुनाई दे रहा है आपको? मैं पानी में कूद जाऊंगी। मैं अपने बच्चों के नाम रख दूंगी पिंकू, चिंटू, मिंटू सब।
माहिर जी। अंजलि के बच्चे का नाम पे रखेंगे जो आप चाहेंगे माहिर जी। तो आगे खोलिए ना माहिर जी, जैसा आप कह रहे हैं तो वैसा ही होगा, प्लीज आगे खोलिए माहिर। ये नहीं होना था, हमारी किस्मत नहीं थी माहिर, हम अलग नहीं हो सकते, हमें जीना है, हमें साथ साथ जीना था माहिर जी, एक पूरी जिंदगी हमें साथ जीनी थी माहिर जी, आप उसे अधूरा नहीं छोड़ते, हमारी ये कहानी अधूरी नहीं रह सकती, घर वाले का दिक्कत नहीं है, मुझे ये मंजूर नहीं था, आप सुन रहे ना, आप सुन रहे ना माहिर जी, हमें वापस आना होगा माहिर जी, हमें मिलना होगा, एक दूसरे का होना होगा, मैं आपसे फिर मिलूंगी माहिर जी, आपके बिना लौट के कभी नहीं जाएगी। मैं पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, तुमने नहीं सुनी तो मैंने तुम उसी ने किया है। पर डोंट वरी, जब भी ना तामसी से खेल के थक जाएगी ना, तभी मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। अरे ये क्या हो रहा, इसकी तो बैटरी लो हो गई है। Can you just shut up, bro? लाओ, दो मुझे। नहीं, ये मेरा है। तुम्हें? नागमणि अभी श्रापित है, खास तौर से हमारे लिए श्राप दिया गया है इसे। किसने किया? उस बीना ने? बिल्कुल नहीं, ये कोई कल की आई हुई नागरानी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। ये उस बीना ने नहीं किया, ये तो परसों पुरानी किसी नागरानी का काम है, और मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि वो कौन है। यही है वो महानागरानी। ये तो वो है। शिवन्या है ना ये? नहीं, ये शिवन्या की बेटी शिवांगी है। शिवांगी को बचाते बचाते तो शिवन्या ने अपनी जान का बलिदान दे दिया था। ये बताओ कि श्राप क्यों दिया? वो इसलिए कि ये कहानी इस श्राप से ही जुड़ी है। शिवांगी को पता चल गया था कि नागमणि के पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इस षड्यंत्र में उसके अपने ही शामिल हैं। इसीलिए उसके पति ने खुद उसकी जान ले ली, और वो बेवकूफ शिवांगी, उसने अपनी जान बचाने की कोशिश तक नहीं की। हंसते हंसते नागवंश के लिए उसने अपनी जान दे दी। बस उसी बलिदान का नतीजा ये है कि आज नागमणि को बचाने के लिए जब असली नागरानी नहीं है,
तब नागरानी की शक्तियां अब भी शिवांगी के पास है। जब तक नई नागरानी नहीं चुन ली जाती तब तक नागरानी की शक्तियां इस शिवांगी के साथ ही रहेगी। जानती थी वो, डरती थी वो, इसीलिए तो उसने उस नागमणि को अभिशापित कर दिया, क्योंकि वो नागमणि को काली और बुरी शक्तियों से बचाना चाहती थी, यानी कि मुझसे, यानी कि निढोग वंश की रानी सुमित्रा से। इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। ये तो बुड्ढी हो गई रहेगी ना, तो ये क्या लड़ेगी हमसे? नहीं, ये इच्छाधारी नागिन है और इच्छाधारी नागिनें कभी बूढ़ी नहीं होती। पर तुम तो बुड्ढी हो जाओ। बूढ़ी होगी तेरी अम्मा, वो शेष नागवंशी थी। और लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि हम उस नागमणि का इस्तेमाल कर सकते अगर हमारे साथ असली नागरानी होती। तुम्हारे कहने का मतलब है कि सिर्फ वो बेला ही थी जो ये श्राप से बचा सकती है? जी, लेकिन उस बेला को तो इस तामसी ने नहीं, नागमणि को ठीक करो, कैसे भी कर। अरे ऐसे मत पूछो, बहुत ज्ञानी है वो, उनको सिर्फ इस जन्म के बारे में नहीं अगले जन्म के बारे में भी पता है। आ गई गुफा। साधु, ए साधु। हाय, ये लड़की तो मरवा के रहेगी, चलो इसके पीछे। ए बुड्ढे उठ, उठ, मुझे से जगाना, उठ। किसने किया दुस्साहस? तामसी दे। मूर्ख लड़की, ये तूने अच्छा नहीं किया, इसका तुम्हें दंड अवश्य ही मिलेगा। मैं तामसी बुड्ढे, मेरा दूसरा नाम अंतका, सुना तो होगा ना मेरे बारे में? तो ये सच है, आखिर तुम हमारी धरती पर आ ही गई। अगर तेरे को इस दुनिया में रहना है तो बताइए कौन है? इनको जानते हैं आप? ये तो नागरानी है। हाँ, वही है। कभी वापस आएगी क्या दुनिया में? जल्दी बताओ। आएंगे, दोनों ही वापस आएंगे। इस धरती पर उनका जीवन पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो दोनों ही लौट आएंगे। वो दोनों एक दूसरे के जीवन साथी ही नहीं थे बल्कि जन्म जन्म के साथी थे, इसलिए वो हर जन्म में एक दूसरे से टकराएंगे और विधाता से इन दोनों को कोई न कोई जन्म चिन्ह अवश्य होगा जो कि लड़के के माथे पर होगा, क्योंकि इस जन्म में उसकी मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई थी। और वो लड़का आग से भी डरेगा और वो लड़की, उस लड़की के पीठ में जन्म चिन्ह मिलेगा क्योंकि इस जन्म में गोली लगने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। वो हर जन्म में एक दूसरे से टकराएंगे। कब होगा उनका जन्म और कहां? जो आज से ठीक 2 साल 9 महीने बाद जन्म लेगी। इस गुफा से बाहर निकलते ही दाहिने तरफ मुड़ जाना, तुम्हें वहां एक पहाड़ी दिखेगी और उसी पहाड़ी के करीब एक कुटिया में उसका जन्म होगा। अब तो तुम्हें सब कुछ बता दिया ना, अब तो यहाँ से जाओ। वो दिन आएगा, जरूर आएगा। हाँ तामसी, बहुत ही जल्द आएगा वो दिन। वो बेला दोबारा जन्म लेगी और जैसे ही उसका जन्म होगा मुझे फौरन पता चल जाएगा। And at that time, I promise you, इस बार हम नहीं हारेंगे, इस बार जीत हमारी होगी, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, ऐसा करना मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। इस बार तुम मुझे धोखा नहीं दे पाओगी बेला, इस बार मैं हमेशा तुमसे 2 कदम आगे ही रहूंगी। अफसोस, इस बार तो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे वो तो वफादार साथी भी नहीं होंगे। मैंने कहा था
मुझे लग ही रहा था कि पेला और मार के साथ कुछ बहुत बुरा होगा। विशाखा घबरा मत, हम तभी तो काल सिद्धि बाबा के पास आ रहे हैं। वो भविष्य देख सकते हैं, वो हमें बता पाएंगे कि पेला और मायर है कहाँ। तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ आ जाओ। सुनिए, काल सिद्धि बाबा का है, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। बस हम उनका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हमें बस उनसे बहुत जरूरी काम है। क्या वो रुक क्यों नहीं, बाबा का है बताइए ना। ये सब क्या हुआ यहाँ पे? जहां तक हम जानते थे कि बाबा तपस्या में, ये फिर? आपने सही सुना था, बाबा तपस्या में ही लीन थे, पर उन लोगों ने आके। किसने किया, ये कौन थे वो लोग? पता नहीं, इससे पहले उन लोगों को कभी नहीं देखा। वो दो औरतें थी और एक आदमी था और एक छोटी सी बच्ची थी। उसी बच्ची ने जान ली है बाबा की। वो बच्ची बाबा से कुछ नागरानी के बारे में पूछ रही थी। क्या कहा उसने बेला के बारे में, क्या बताया? मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया, मैं बगल वाली गुफा में था। बस इतना सुना कि नागरानी का पुनर्जन्म होगा। क्या, कब, कहां, कैसे? कुछ तो बताया होगा, कुछ तो सुना होगा तुमने, बताओ ना। नहीं, विक्रांत, इसका मतलब है कि बेला वापस आएगी, हमारी बेला वापस आएगी। दो साल बीत गए, उसकी तीसरा साल खत्म ही होने वाला है और बेला का कुछ पता नहीं चला। नाग हवेली भोलेनाथ के हर मंदिर में देख लिया हूँ, पता नहीं कहाँ है बेला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा विक्रम, पता नहीं हमारी बेला कहाँ चली गई। और एकदम से किस कदर शांत है वो कोई हरकत नहीं कर रही, जैसे मानो किसी के इंतजार में बैठी हो। शायद उसे पता हो कि बेला कहाँ गई है और कब वापस आएगी। हो सकता है ना, अगर इसी बात है तो हमें तुरंत बेला को ढूंढना होगा, पता लगाना होगा कि वो कहाँ है। प्लीज वापस आ जाओ। वो आ रही है आज रात। हाँ, पूरे दो साल नौ महीने के इंतजार के बाद अब आ रही है। तुम थोड़ा स्लो हो क्या? What? नहीं हो ना, तो गाड़ी क्यों स्लो चला रही हो, तेज चलाओ। बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें रो, तो एक काम करो, तुम ना आगे आ जाओ, आगे की सीट पे नहीं, गाड़ी के आगे। और तुम तामसी, ये रास्ता कच्चा है इसीलिए स्लो चला रहे, फास्ट चलाओ। वो ना, रुको, वो देखो पूरा चांद और वो पहाड़ी। हम आ गए बेला, अब तुम बच के कहाँ जाओगी? सारिका, मुकेश सांसें नहीं ले पा रही हूँ। थोड़ी देर और बर्दाश्त करो, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। मुकेश, बच्ची आ रही है। सब ठीक हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाएंगे हम। सरिका, सब ठीक हो जाएगा, मैं देखता हूँ। देखिए, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, बहुत दर्द में, प्लीज देखिए। एक मिनट, चलिए। ये बच्चा तो किसी भी वक्त आ सकता है, और यहाँ दूर दूर तक कोई अस्पताल भी नहीं है। देखिए, आप घबराइए मत, यहाँ पास में एक जगह है, हम इन्हें वहाँ लेके चलते हैं। आइए आइए। अरे बस, यहाँ पर तो खेती खेत है। नहीं, पास में यहाँ पे एक कुटिया भी है। संभाल के
सारे का पेशेंस रखो। बेटा आप जरा बाहर जाओ, हम देख लेंगे। अरे आप घबराइए मत, दाई माँ के हाथों ही हम सबका जन्म हुआ है। आप देखिए, हम लोग संभाल लेंगे, आप बाहर जाइए। हिम्मत रखो। वो है पहाड़ी। पहाड़ी तो वही है, लेकिन रास्ते कितने सारे हैं यहाँ पर, और हर रास्ता कोई ना कोई जगह जाता होगा। और कौन से रास्ते पर हम जाएं ये कैसे पता चलेगा हमें? गाइस, मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं कंप्लेन करने में, लेकिन कभी कभी ना अपना मुंह बंद करके दिमाग खोल के कम से कम सोल्यूशन दिया करो प्रॉब्लम्स नहीं। बस करो, तामसी को जान नहीं पसंद। अरे तुम्हारे बारे में तो मैं भूल ही गई थी, तामसी को ये नहीं पसंद, तामसी को वो नहीं पसंद, वो जब देखो तो पैपे करती रहती हो। जानती हो कि तुम्हें काली शक्ति है, बहुत ज्यादा ताकतवर हो तुम, जब चाहे जिसको मन चाहे मार देती हो, यहाँ तक कि अपने बाप को नहीं छोड़ा तुमने, बाप को मार डाला, गायब कर दिया, क्या किया मुझे तो पता ही नहीं चला, बेचारा कहाँ चला गया। अरे लेकिन उस बेला को मारने की क्या जरूरत थी? हमें जरूरत थी ना बेला की, आज अगर वो जिंदा होती कम से कम उसे कैद करके हम ये तो पूछ सकते थे कि नागमणि का इस्तेमाल कैसे करे, श्राप कैसे हटाए। लेकिन तामसी को लोगों को मारना पसंद है, एक काम करो मार डालो सबको एक साथ, मार डालो। चुप करो सभी, लुक एट दिस, उसकी आंखें देखो, देखो जो बहुत तलाश करोगी। याद रखना बेला इस दुनिया में वापस आ रही है और ये तामसी को मौका मिस नहीं करना। और थोड़ा देर और। कितनी प्यारी बच्ची है। आएंगे, दोनों ही वापस आएंगे। इस धरती पर उनका जीवन पूरा नहीं हुआ क्योंकि इस जन्म में गोली लगने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी।